जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के लेक्चर में हम विज्ञान के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये फ्रेंड इसी टाइप के आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको पूरा डिटेल में देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है आपको बताना है। गुर्दा है, यकृत है, हृदय है या मस्तिष्क है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जब भी क्वेश्चन आया करे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सोल्यूशन देखा करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्या है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका अगर वेट पता करें, यानी इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 से लेके 2 kg तक का वजन होता है। किसका, यकृत का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, यानी उस विटामिन का आप लोगों को नाम बताना है जो मांसाहारी भोजनों में नहीं मिलता। तो उसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, विटामिन सी होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन के होगा, विटामिन B12 होगा। ठीक है, ये आपका B12 है, B12 ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विटामिन सी, यानी विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। सफ़ेद लेड, सफ़ेद सीमेंट, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है फ्रेंड्स, यही है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड ये किससे बनता है, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे बनता है, जिप्सम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, यानी ब्रेड बनाने के लिए किस कौन सा आवश्यक घटक है आपको बताना है। मैदा और घी, मैदा और बेकिंग सोडा, मैदा और खमीर या मैदा और बेकिंग पाउडर। इसमें से कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैदा और बेकिंग, मैदा और खमीर का। ठीक है, इसके मुख्य घटक हैं। अगर ब्रेड आपको बनाना है तो मैदा और खमीर आपके पास होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या क्या होना चाहिए इसमें, इसके लिए, तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए आपको नमक भी चाहिए, अगर ब्रेड बनाना है तो नमक भी चाहिए, और क्या कहते हैं वसा भी चाहिए, खमीर तो चाहिए, बेकिंग सोडा भी चाहिए, लेकिन जो मुख्य घटक है मैदा और खमीर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सब्जी जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में होती है। सब्जियों में ऐसा कौन सा अधिक मात्रा होता है जिसके कारण सब्जियां खराब हो जाती हैं आप लोग बताइए, विटामिनों की, जल की, एंजाइमों की या शर्कराओं की। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल की, यानी सब्जियों में जल की अधिक मात्रा होती है जिसके कारण से सब्जियां खराब हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, किस में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, किस जीव में आपको बताना है। सांप में, मगर मगर में, ठीक है, रे मत्स्य में या उड्डयन स्तनपायी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप में। ठीक है, सांप में पसलियों की संख्या
सबसे अधिक होती है। ठीक है, कितना होती है इसमें फ्रेंड्स, 200 से सॉरी 400 के बीच में होती है। ठीक है, 200 से 400 के बीच में इनकी पसलियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा सांपों में ही पसलियाँ होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी किसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, आपको बताइए। देखिए इसको और भी बिजली ग्रह भी कहते हैं, इसको बिजली ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका का बिजली ग्रह भी कहते हैं, और देखिए कोशिका की शक्ति भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में देखेंगे कहीं कहीं लिखा होगा कोशिका की शक्ति क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूत्र कणिका। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो माइटोकांड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकांड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूत्र कणिका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा के लिए हमको क्या लेनी चाहिए, यानी अगर हमें कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हमें क्या लेनी चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए, या विटामिन सी, या यहाँ पे प्रोटीन, या सुक्रोज। तो कौन सा आंसर होगा इसका सही आंसर? तो क्या होगा? ग्लूकोज। यहाँ पे सा के जगह पे जे होना, जा होना चाहिए, यानी ग्लूकोज हमें लेना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें शरीर में तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो। ये फ्रेंड्स तुरंत ऊर्जा, ये मस्तिष्क और रक्त में तुरंत ऊर्जा पैदा कर देता है। कौन? ग्लूकोज। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए देखिए अगर कोई ज़्यादा बीमार रहता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज दे दिया जाता है हल्का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको ये तो पता रहना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त स्वास्थ्य विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? ठीक है, किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है आपको बताना है। अम्ल क्षार अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संकुलन अभिक्रिया, या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया कराया जाता है, लेकिन किस में कराया जाता है? तो ये एक उपकरण होता है जिसका नाम है बीथ एनालाइजर। क्या नाम है? बीथ एनालाइजर। ठीक है, इसी में रेडॉक्स अभिक्रिया कराया जाता है, और इसमें देखिए सांस का नमूना लिया जाता है। लोग कहते हैं ना कि चलो धनिया खा लें लेकिन पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें सांस के नमूने को रखा जाता है। अच्छा, तुम नहीं शराब पियो हो, झूठ बोलते हो, पुलिस से झूठ बोलते हो। तो पुलिस लोग क्या करते हैं? कहते हैं अच्छा थोड़ा इसमें फूको, फूकते हैं विथ एनालाइजर में, और उनको पकड़े जाते हैं। ठीक है, तब पकड़े जाते हैं, झूठ बोलते हैं लेकिन तब भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो शराब पिए रहते, अगर नहीं पिए रहते तो नहीं पता चलता उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को मिलाकर दूर किया जाता है, किया जा सकता है, किसको मिलाकर दूर किया जा सकता है आपको बताना है। ब्लीच, फिटकरी, सक्रिय चारकोल, या असक्रिय नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय चारकोल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? सक्रिय चारकोल इसका सही आंसर। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सोल्डर, सोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्र धातु है? ठीक है, यानी जो सोल्डर पदार्थ होता है वो किस धातु का मिश्र धातु है आपको बताना है। ठीक है, शीशा और तांबा का, शीशा और पारा का, शीशा और सुरमा का, और शीशा और टीन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शीशा तथा टीन का। इसमें देखिए फ्रेंड्स अगर इसकी मात्रा की बात करें तो शीशा आपका 70% रहता है। ठीक है, शीशा, और टीन जो रहता है आपका 30% रहता है। ठीक है, तभी ये सोल्डर बनता है। ठीक है, जिसे सोल्डिंग किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कापर तथा टीन से बनती है, यानी इनमें से कौन सी मिश्र धातु कापर तथा टीन से बनती है आपको बताना है। सोल्डर, पीतल, रांगा, कासा।
तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांसा, यानी कापर और टीन को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा कांसा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण क्या है? जेली, धुआं, रबड़, फोम, इसमें इसका आंसर दीजिए। तो ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जेली। ठीक है, जेली का उदाहरण है ठोस में तरल विलयन का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है, भूकंप को दर्ज किससे किया जाता है कि भूकंप आने वाला है आपको बताना है। इडियोग्राफ ग्राफ से, थर्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से या आर्गोग्राफ से? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसकी सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से हम पता लगाते हैं कि भूकंप आने वाला, यहाँ पे भूकंप आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा, ठीक है, टेलीफोन लाइन में कौन सी धारा बहती है आपको बताना है। ध्वनि ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या यांत्रिकी ऊर्जा? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन में जो धारा बहती है वो विद्युत ऊर्जा बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। एक उड़ते हुए जेट में होती है, यानी एक उड़ते हुए जेट में क्या होता है, कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी? ठीक है, यदि कोई चंद्रमा पर बम का विस्फोट करता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी आपको बताना है। 20 मिनट, 2 घंटे, 20 मिनट, 3.7 घंटे, यानी आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि जानते हैं पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, क्योंकि अंतरिक्ष में प्रति घन सेंटीमीटर में विद्यमान पदार्थ के अणु या परमाणु एक माध्यम में दबाव तरंगों का निर्माण करने हेतु पर्याप्त नहीं होते। ध्वनि को प्रसारण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। लोग पृथ्वी पर चमक देख सकते हैं लेकिन ध्वनि को नहीं देख सकते। ठीक है, यही कारण है और कोई कारण नहीं है कि अगर चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो हमें ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ठीक है, आपको यही बताना है कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है आपको बताना है। ठीक है, ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण या परावर्तन के कारण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवण के कारण। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, ध्रुवण के कारण इसलिए क्योंकि जब इस पे प्रकाश, सीपी पर प्रकाश पड़ता है तो कुछ प्रकाश अपवर्तित हो जाता है और कुछ परावर्तित हो जाता है। ठीक है, इस कारण इस कारण सीपी सुनहरी यानी सोने की भांति प्रतीत होती है। ठीक है, अगर उस पर कुछ प्रकार प्रकाश अपवर्तित और कुछ प्रकार परावर्तित हो जाता है जिसके कारण हमें उसमें ध्रुवण हो जाता है, इसी कारण हमें सीपी सुनहरी दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ये तो आपको पता ही है, तारों का रंग हमेशा उसके तापमान पर ही निर्भर करेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तापमान। तो अब देखिएगा, जो सबसे गर्म तारा रहता है वो किस प्रकार दिखता है? वो नीले का आकार दिखेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो गर्म रहेगा वो नीले के आकार का, नीले के आकार का, और जो ठंडा रहेगा वो आपको लाल के आकार का दिखेगा। ठीक है, लाल के आकार का। ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो गर्म तारा रहता है वो नीले का आकार का दिखता है, जो क्या कहते हैं,
जो ठंडा रहता है वो लाल के आकार का दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है, यानी अगर प्रकाश जहाँ जलता है मतलब प्रकाशित होता है, वहाँ पे कीड़े किस कारण आ जाते हैं आपको बताना है। प्रकाशानुचालित, जलानुवर्ती, तापानुचालित या प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, प्रकाशानुवर्ती के कारण ये क्या होते हैं, कीड़े प्रकाश की ओर गमन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका कारण क्या है कि देखिए, इसको अगर समझना है तो सिंपली आप लोग देखिए, आप प्रकाश जब किसी पौधे के पत्ती पे पड़ता है तो क्या हो जाता है, देखिए उसका ऊपर का तो प्रकाशित रहता है लेकिन नीचे नहीं प्रकाश पहुंचता। यही कारण है, यही कारण इसमें भी होता है। ठीक है, यहाँ जहाँ प्रकाश इसका दिखता है वहीं पर ये कीड़े पहुँच जाते हैं, यही कारण है। ये अक्सर रात्रि में होता है ना कि दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में तो शेयर ज़रूर करिएगा। और कैसा लगा ये लेक्चर हमें कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।